अगर हमारे दुश्मनों तक पहुंचने का रास्ता त्रिकोण लोक से होकर गुजरता है तो हमें वहां जाना ही होगा। पर कैसे? मंजिल बहुत दूर है और वक्त बहुत कम। 4 दिनों बाद पूर्णिमा है। 4 दिनों के अंदर हम त्रिकोण लोक का पता कैसे लगाएंगे और वहां कैसे पहुंचेंगे? कुछ तो करना ही होगा। मणिगंधा फल 8 सालों में एक बार होता है। अगर इस बार हमने वो फल नहीं खाया तो हमें 8 साल इंतजार करना होगा उसकी शक्तियों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें वो फल इसी पूर्णिमा पर खाना होगा। लेकिन मणिगंधा मिलेगा कैसे? अंबालिका, हाँ अंबालिका, वही हमारी मदद कर सकती है। हमें अंबालिका के पास जाना होगा। हमारी बच्ची, हम आपको कैसे नहीं पहचान पाए? क्या हमारी ममता इतनी खोखली थी कि 10 सालों तक साथ रहने के बाद भी हम आपको पहचान नहीं सके? हम कहीं नहीं जाएंगे। हम आप लोगों से इतना प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हम आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे। कनक की पढ़ाई हम यही करेंगे। आप अपने बालों में रोज तेल लगाती हैं, इसलिए आपके बाल इतने सुंदर हैं ना? आप भी लगाया करना। ना सर, हम भी तारीसा के बालों को कंघी करेंगे। लेकिन ध्यान से। आप हमसे बहुत प्यार करती है ना? जब हमारे माँ और पिता मर गए थे और हम अनाथ आश्रम में रहते थे, तभी तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। दस सालों तक हम आपको तलाशते रहे और आज मिले भी तो दुश्मन की कैद में। हम माँ होने का कोई फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन आप बेटी होने की सजा भुगत रही हो। आज हमारी वजह से भुजंग की कैद में हो तो हम गुनहगार हैं आपके बेटा, गुनहगार हैं हम। बासा, 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 बासा। मैडम आपकी शक्ल नहीं देख रही। क्या बात है? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी रहेगा मैडम, मुस्कुराइए। हाँ। नहीं, ये अच्छा नहीं है इतना। रुको, हाँ ये कैसा है? अरे सुपर मैडम, सुपर सुपर, हाँ हाँ, फंटास्टिक। मैडम मुस्कुराइए। एक मिनट, अब क्या हुआ मैडम? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ यहाँ पे करती हूँ तो कैसा लगेगा। अच्छा, ये वाला पोज ट्राय करो। हाँ हाँ, क्या बात है, कमाल का। अरे बहुत अच्छा मैडम। हाँ ऐसे रखिए, हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए। अरे जबड़ा टूट जाएगा मेरा, मैं शादी के लिए फोटो खिंचवा रही हूँ कि किसी दंत मंजन के विज्ञापन के लिए? जल्दी करो। यस मैडम। हो गया मैडम? वैसे 2 रोल तो खिंचवा दिया आपने, अब और कितना फोटो खिंचवाओगी? एक बात बताओ, शादी किसकी होने वाली है? जी आपकी। फोटो किसकी खींच रही है? आपकी। कैमरा किसका है? आपका। तो तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? कुछ नहीं मैडम। जल्दी से एक अच्छी तस्वीर खींचो ताकि कोई भी आदमी मुझे देखे तो पागल हो जाए। मैडम आपकी ऐसी फोटो खींचूंगा कि हिंदुस्तान के सारे लड़के पागल हो जाएंगे। हिंदुस्तान के बाहर के लड़के भी पागल हो सकते हैं। मैडम पासपोर्ट है ना आपके पास? सौदा दोस्ती मत करो, जल्दी करो। ओके मैडम। हाँ मुस्कुराइए मैडम, वेरी गुड। जबड़ा ही फट गया, ला दिखाओ। मैडम देखिए कितना प्यारा फोटो है आपका। मेरे अलावा इस कमरे में कोई और भी था? मैडम सिर्फ आप ही थी। मेरे कहने का मतलब है कि ये घटिया तस्वीर मेरी है। मैडम जैसी शक्ल वैसा ही फोटो आएगा ना? मेरी शक्ल घटिया नहीं, तुम घटिया हो, निकल जाओ यहाँ से। मैडम ये फोटो देखकर कोई भी आदमी मुझसे शादी तो नहीं करेगा, मुझे दफना देगा कहीं पर जाकर। निकल जाओ यहाँ से। मैडम 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 निकल जाओ।
कौन शादी करेगा? इस तरह की फोटो देखकर तो कोई लड़का मुझे अपनी बहन भी नहीं बनाएगा। अमृता, तुम कितने सही समय पे आई हो। मेरी एक अच्छी सी तस्वीर खींच लो ना। तुम खींचोगी तो शायद मुझसे कोई शादी कर लेगा। ये लो। अंबालिका, अंबालिका हम बहुत परेशान हैं। तुम परेशान हो? तुम्हें पता है मेरी परेशानी तुम्हारी परेशानी से ज्यादा बड़ी है। अगर मैंने अभी शादी नहीं की तो अगले 100 साल तक मेरी शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। रुको, एक मिनट। बताओ हमारे भविष्य में क्या होने वाला है? हम जो चाहते वो हमें मिलेगा कि नहीं? वो अपना हाथ लगे आगे लो, हाथ लेकर आओ अपना। अमृता कोई काम कर, तुम्हें ज्ञान दे रहा है किसी और लोग के बारे में। कैसे हो सकता है? तांत्रिक तो हमारा दुश्मन है, वो हमें क्यों बताएगा? त्रिकोण लोक कहाँ है? कनक के खो जाने का इन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। इनका इलाज सिर्फ आराम है। कनक, विष्णु, कनक कहाँ? माँ साहब, हम जानते हैं कि आप कनक से बहुत प्यार करती हैं। हम सभी परेशान हैं, पर आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। हाँ माँ साहब, हम कनक को ढूंढ निकालेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। माँ साहब को आराम करने दीजिए। चलिए। आपको हमारे पास वापस आना ही होगा कनक। ईश्वर इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि आपको हमारे सामने लाकर भी मिलने न दे। चार दिन बाद पूर्णिमा है, हमारे पास सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, लेकिन उस तांत्रिक की मदद हम कैसे ले सकते हैं जो हमारे माँ और पिताजी का कातिल है? उस इंसान के सामने हम सर कैसे झुका सकते हैं जिसका सर हम खुद काटना चाहते हैं? ये लोग जो हमें तुम तक पहुंचने से रोकना चाहते थे आज मिल गए। चाहे जो भी हो जाए, हम उस दुष्ट तांत्रिक की मदद कभी नहीं लेंगे। मुझे पता है अमृता, तुम तांत्रिक से मदद लेना नहीं चाहती, पर तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं तो ना सही, लेकिन उस दुष्ट तांत्रिक से मदद हम नहीं लेंगे। मत भूलो अमृता, बड़े मकसद को पूरा करने के लिए छोटे छोटे त्याग करने पड़ते हैं। तुम्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना होगा। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए तुम्हें कई त्याग करने होंगे। लेकिन वो एक दुष्ट आदमी है, हमारा अपराधी है वो। रावण भी श्री राम का दुश्मन था, उसने भी सीता मैया के अपहरण का अपराध किया था। फिर भी रामेश्वरम में शिव पूजा के लिए श्री राम ने रावण से मदद मांगी। तुम्हें तांत्रिक के पास जाना होगा, यही समय की मांग है। नहीं जाएंगे हम वहां, हर किस नहीं जाएंगे। और हम कोई भगवान नहीं है जो अपने दुश्मन को माफ कर दे। और तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो?
कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? और तुम हो कौन? सही वक्त आने पर मैं अपना परिचय भी दूंगा। याद रखना, अगर तुम तांत्रिक के पास नहीं गई तो हमेशा पछताओ। बड़े मकसद को पूरा करने के लिए छोटे छोटे त्याग करने पर तुम्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना होगा। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए तुम्हें तांत्रिक के पास जाना होगा। हमारा जाप बार बार भंग क्यों हो रहा है गुरुजी? हम ठीक से पूजा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भैरव, तुम्हारी ये पूजा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अमृता के कारण तुम्हारे पास से नाग काशी चला गया और उसके बिना तुम्हारी सारी पूजा, सारी तपस्या अधूरी रही। आज से तेरी सारी शक्तियां खत्म। आज से तू एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा। नागिन, कहाँ चली गई नागिन? नागकाशी की शक्ति अभी भी हमारे पास है। शायद इसकी शक्ति से हम अपनी खोई हुई शक्तियां वापस सिद्ध कर सकेंगे। नागकाशी अभी भी हमारे पास है। नागकाशी अभी भी हमारे पास है। नागकाशी कहाँ चली गई? नागकाशी कहाँ चली गई? अब हम वो नागकाशी वापस कैसे प्राप्त करेंगे? एक बार वो खिलौने मिल जाए उससे हम पता लगा लेंगे कि कनक है कहां। क्या ढूंढ रहे हैं आप? हमें कनक का खिलौना चाहिए ताकि हम पता लगा सके कि वो कहां है। पर खिलौनों से कैसे पता चलेगा? सवाल मत कीजिए। खिलौने ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। वो खिलौने मासा ने तहखाने में रखवा दिए थे। क्या आप जानती हैं कि कनक का सबसे प्रिय खिलौना कौन सा था? हाँ, एक गुड़िया थी। सालों हो गए शादी को, पर इन्हें हम आज तक समझ ही नहीं पाए। हम हमारी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। बस अब वो गुड़िया मिल जाए। ये कौन से लोग हैं? चलिए आओ कनक, चलिए आओ कनक। कौन है जो कनक को लेके जा रहा है? ये हुआ कैसे? कौन सी शक्ति है जो हमें ये सब बता रही है? क्या ढूंढ रहा हूं?
ये आप ही की शक्तियां हैं जो आपको मार्ग दिखा रही हैं। आज आपकी शक्तियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो खुद आपको अपनी मंजिल का पता बता रही है। गुस्से पर नियंत्रण करना होगा। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए तुम्हें कई त्याग करने होंगे। भैरवनाथ, तुमसे मिलने आई हूँ अपने दुश्मन से। लेकिन तुमने तो कहा था कि अगली बार तुम हमसे मिलोगी तो हमें जान से मार दोगी। मन तो अब भी हमारा यही कर रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारा एक काम है जो तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो सकता। अच्छा, तो तुम्हारा कोई स्वार्थ तुम्हें हम तक ले आया? ये हमारी बदनसीबी है जो हमें तुमसे मदद लेनी पड़ रही है। लेकिन हमें कुछ ऐसा जानना है जो सिर्फ तुम हमें बता सकते हो। पूछो क्या जानना चाहती हो तुम। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? त्रिकोण लोक कहाँ है और हम वहां कैसे जा सकते हैं? बस इतनी छोटी सी मदद, ये तो हम तुम्हें अभी बता देंगे। लेकिन तुम्हें भी हमारा एक काम करना होगा। भूल जाओ भैरवनाथ, तुम जैसे दुष्ट को दुनिया का सर्वनाश करने के लिए हम तुम्हारी शक्तियां कभी वापस नहीं करेंगे। हमें हमारी शक्तियां चाहिए भी नहीं। तो क्या चाहिए तुम्हें? मां काशी। नाकाशी? हाँ, नाकाशी। तेरी वजह से हमारी नाकाशी हमसे छीन ली गई थी। अब तू ही हमें वो वापस लाके देगी और हम तुझे त्रिकोण लोक का रास्ता बता देंगे। कहाँ मिलेगी नाकाशी? त्रिनान लोक में। त्रिनान लोक?